आज हम सब ये प्रण लेके जाएंगे कि आने वाले समय में ऐसी सरकार जो शहीदों का भी सम्मान नहीं करती है, बताइए अग्निवीर योजना निकाली इन लोगों ने? कोई स्पष्ट रूप से जो योजना निकाली गई है उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कितने युवाओं को नौकरी मिलेगी और कब यह नौकरी मिलेगी और उसमें से कितने युवा वापस घर लौटा दिए जाएंगे 4 साल बाद ही मात्र। और नौकरियां है ही नहीं पहली बात तो हमारे युवाओं की आशाओं का, हमारे युवाओं की आशाओं को समाप्त करने का जहां काम किया गया है इस सरकार ने, जहां फौज में नौकरी नहीं निकाल रही है, चाहे सरकार रेलवे में नौकरी नहीं निकाल पा रही है, विद्यालयों में नौकरी नहीं निकाल पा रही है, जहां किसानों को वह उनके हक नहीं दे पा रही है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह इस क्षेत्र ने समाजवादी का सहयोग किया है, आने वाले समय में भी समाजवादियों का सहयोग करेंगे। और मंच में उपस्थित मैं अनीता यादव जी का, उनके पूरे परिवार का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने आपने मुझे यहाँ मौका दिया मूर्ति आवरण करने का, और अपने पूरे समाजवादी संगठन का भी धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने इतने कम समय में पूरा संयोजन किया इस कार्यक्रम का। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।